नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद मुंबई में पहले की तरह आवागमन अब शुरू हो गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में पहले की तरह भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सभी के लिए कुछ शर्तों के साथ लोकल का संचालन हो रहा है। गणपति के बाद नवरात्रि पर्व में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, उद्योग धंधे भी खुल गए हैं, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों में आम यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मुंबई लोकल में अब तक लगभग 19 लाख से ज़्यादा पास 2 माह में जारी कर चुके हैं। मध्य रेल पर 13 लाख से अधिक पास, वहीं पश्चिम रेलवे पर 5 लाख से अधिक MST जारी किए गए हैं। इस तरह रोजाना 32,000 से ज़्यादा लोकल पास जारी किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाली की संख्या किस कदर बढ़ रही है। वहीं प्लेटफार्म पर यात्रियों की संख्या कम करने के लिए प्लेटफार्म का टिकट भी बढ़ा दिया गया, जिसे 10 रुपए से 50 रुपए कर दिया गया है। वहीं अभी भी आम जनता को बिना शर्त के लोकल ट्रेन में यात्रा करने का इंतजार है। वहीं कई ऐसे भी यात्री हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले लोग मजबूरी में बिना टिकट लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यात्री संगठनों का कहना है कि अब जब स्कूल, मंदिर आदि सभी खुल गए हैं, तो लोकल ट्रेनों में भी बिना शर्त की यात्रा की परमिशन देनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं SPO अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।